आज की फ्रीडम कन्वर्ट करने वाले सिंपल से दिखने वाले माइनक्राफ्ट वर्ल्ड को GTA 6 के अंदर। सो लेट्स गो। अब आ गए हम ये सिंपल से दिखने वाले माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर, जिसके अंदर बकरियां हैं, फूल पत्ते हैं, पर ये बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। इसको सुंदर बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लगेगी। देखो, माइनक्राफ्ट के ग्राफिक्स एनहांस करने के लिए और गेम को और सुंदर बनाने के लिए मैंने इंस्टॉल किया है इसके अंदर ऑप्टिफाइन, जिससे मतलब थोड़ी बहुत गेम में फील तो बड़ी है, पर अब भी वो GTA वाली वाइब नहीं आ रही है। उस GTA वाली वाइब को लाने के लिए अभी हमें बहुत आगे जाना है। One eternity later. आसमान देखो, सुंदर है ना? माइनक्राफ्ट तो कहीं भी नहीं लग रहा है, लेकिन ये माइनक्राफ्ट है। तुम्हें विश्वास नहीं होगा जो तुम अब देखने वाले हो उस पे। मैंने इंस्टॉल करे रिसोर्स पैक और शेडर्स, और तुम देख सकते हो माइनक्राफ्ट के ग्राफिक्स, मतलब पेड़ों में पत्तियां देखो, जमीन पे घास, ब्लॉक्स के अंदर टेक्सचर, और जानवर देखोगे तो तुम पागल ही हो जाओगे। ये शीप्स है हमारी, कितनी ज्यादा रियल लग रही है ये। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो ये रही हमारी मुर्गी, और सबसे मेरा फेवरेट हमारा पिग। अलग अलग कलर के पिग है हमारे पास, और एक चीज में तो तुम मिस कर रहे हो अभी, जो कि है पानी, घास, पानी, सूरज की रिफ्लेक्शन तो देखो यार, लुक एट द टर्टल्स मैन, और सैंड। लेकिन माइनक्राफ्ट अभी इससे भी ज्यादा क्रेजी होने वाला है। पर किसे पता था कि ये इतना मुश्किल होने वाला है? घंटों की रिसर्च और अलग अलग मॉड्स को इंस्टॉल करके उनकी कंपेटिबिलिटी चेक करने के बाद फाइनली लोडिंग 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 लोडिंग। तुम अब देख रहे हो कि हम सुपर फ्लैट वर्ल्ड में आ गए हैं, और अब GTA और माइनक्राफ्ट में डिफरेंस बचा है तो वो है केवल और केवल बिल्डिंग्स, गन्स और कार्स का, और इस डिफरेंस को भी हम जल्दी कवर कर देंगे। सो पेश है आप सभी के लिए माइनक्राफ्ट में GTA सिटी। स्वागत है आप सभी का माइनक्राफ्ट GTA सिटी में। इससे ज्यादा सुंदर सिटी मैंने तो कभी कहीं नहीं देखी, पर तुम देख सकते हो यहाँ पर कितनी सारी बिल्डिंग्स हैं। ये हमारा कैसल है, जो केवल और केवल हमारे लिए है स्पेशली। तुम देख ही सकते हो आसपास कितनी ज्यादा सुंदर जगह है, बिल्डिंग्स देखो सब माइनक्राफ्ट मटेरियल से बनी है, कुछ भी फेक नहीं है ब्रो। लाइक ये बिल्डिंग मैंने शायद हल्के गेम में देखी है। देखो इस मैप की खूबसूरती देखने के लिए हम बैठे तो हम पूरे दिन वही देखते रह जाएंगे, पर अभी हमारे पास देखने के लिए बहुत कुछ है, तो शुरू करते हैं हम गन्स के साथ। देखो अगर मैं सारी गन्स दिखाने लगा तो हमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ही सारी गन्स है। तो मैंने सेलेक्ट करी है 3 गन्स, जो है एक मशीन गन, एक है हैंड पिस्टल, और एक है स्नाइपर। स्नाइपर हमने चेंज कर लिया। एनिमेशन देखो यार गन लोडिंग की। ओके, तो इन तीनों गन्स को हम टेस्ट करके देखते हैं। ये है असली स्नाइपर। Let's see. 3. ये गन्स बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, मतलब तुम देख सकते हो सिंगल फायर, मल्टी फायर, और अपनी स्नाइपर। बहुत ही ज्यादा तगड़ी गन्स है हमारे पास। इसके अलावा काफी सारे ग्रेनाइड्स, नहीं हाँ, हमारे पास बहुत ही सारे ग्रेनाइड्स और बहुत सारी चीजें हैं। मैंने पूरा एक्सप्लोर नहीं किया है इसको, पैराशूट भी हमारे पास, और हमारे पास बॉम्ब भी है अगर चाहिए हो किसी को। इसके अलावा पास चाकू भी है। देखो अपनी माइनक्राफ्ट सिटी में रात हो चुकी है, और इससे ज्यादा बढ़िया टाइम क्या होगा कार में गेड़ी मारने का। सो पेश करते हैं आपके लिए कार्स इन माइनक्राफ्ट। इस बार हमारे पास थोड़ी अलग कार है, जैसे कि तेज चलने वाली कार है, ये नॉर्मल कार है। इसके अलावा हमारे पास रिक्शाज भी हैं, और हमारे पास है ट्रैक्टर, शॉपिंग कार्ट, समथिंग कार्ट, और पाइनएप्पल कार। सो वापस से दिन हो चुका है यहाँ पे, और हमारे पास है कार्स चलाने के लिए। हम शुरू करते हैं अपनी पहली कार से, जो कि एक नॉर्मल कार। इसके अलावा एक स्पोर्ट्स कार है हमारे पास, एक रिक्शा है, एक ट्रैक्टर है, और शॉपिंग कार्ट, अगर तुम्हें शॉपिंग कार्ट चलाने का शौक हो तो, और कोई सी तो कार है पता नहीं, कार और एक पाइनएप्पल कार। तो शुरू करते हैं नॉर्मल कार को चलाने से, और गन कैसे भूल सकते हैं, कार गन सेट लेट्स गो गो गो। आ
टक्कर मारने से पहले रुक गए। तुम देख सकते हो कार काफी छोटी सी है पर अच्छी है। इसके अलावा बात स्पोर्ट्स कार है जो ही काफी देर चलती है उस गाड़ी पर। इफ यू वंडरिंग जानवरों पे कार चलाने से क्या होता है। अब हम टेस्ट करते हैं अपना ई रिक्शा। भाई साहब कहीं चलना है क्या? चलो इसको स्पीड अप करते हैं। ये बूस्ट बहुत बढ़िया चीज है, इसको अपने आगे प्लेस कर देता हूँ और फिर देखो जादू। हमारे रिक्शा कहीं पे भी चढ़ जाता है क्या? चढ़ तो रहा है। ट्रैक्टर प्लीज मुझे एक चीज तो रिपीट करनी पड़ेगी। मैं निकला ओ गड्डी लेके। ब्रो ब्रो मॉडिफाई करनी है तुम्हें कार तो वो पॉसिबल है इस मॉड के अंदर, जैसे कि ये हो गया है। अब मैं खेती कर सकता हूँ चाहे तो इससे। चलो अब बैठते हैं अपनी शॉपिंग कार्ट के अंदर। कम हाँ शॉपिंग कार्ट बहुत ज्यादा स्लो है, इस वजह से मैं स्पेन में छोड़ दूंगा। बहुत ज्यादा स्लो गाड़ी है। नहीं व्हाट? अच्छा वो बूस्ट था, मेरे को लगा इसकी ओरिजिनल स्पीड है। बस चलिए काफी ज्यादा फास्ट है और आई थिंक इसके लुक से लग रहा है कि ये ऊंची जगह पे भी चढ़ जाएगी। दो ब्लॉक हाई चढ़ सकती है मेरे को लग रहा है, ट्राई करके देखते हैं। अब ये हो गया दो ब्लॉक हाई और वो नहीं धोखेबाज, बेकार, बहुत ही बेकार। हमारे में अपना फाइनल व्हीकल बचा है जो कि है पंपकिन कार। तो पंपकिन के ऊपर बैठे हैं हम, हाथ में एक बंदूक लिए। And if you are wondering, कि इसमें GTA की तरह गाड़ियां गन से थकती है नहीं थकती। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बाय द वे अगर तुम चाहते हो थोड़े को लाइव देखना तो जाके मेरे लाइव वाला चैनल चेक करो सैडी लाइव। क्योंकि 6 महीने रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली है, 6 महीने रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली है, 6 महीने रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली है।